नीमच में अखिल भारतीय युवा परिषद द्वारा आज नीमच जिले के स्वामी विवेकानंद कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव एवं रक्तदान अमृत उत्सव आयोजन पर नीमच जिला ब्लड बैंक के तत्वाधान में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें नीमच जिले के रक्तदान सेवा में अग्रणी भूमिका निभाने वाले संस्था एवं कई महानुभावों को सम्मानित किया गया। वही जानकारी के अनुसार अखिल भारतीय युवा परिषद द्वारा 200 का लक्ष्य कम्प्लीट किया गया है। यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे से 2 बजे तक रहा। इस उपलक्ष में नीमच जिले के विधायक दिलीप सिंह परिहार, वहीं नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा उपस्थित रहीं और शिविर का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर अखिल भारतीय तेरापन युवक की परिषद के द्वारा पूरे देश और विदेश में 2000 रक्तदान शिविर एक साथ आयोजित किए जा रहे हैं। महाविद्यालय इसमें अपने संयुक्त तत्वावधान की भूमिका निभा रहा है, नगर पालिका भी इसमें संयुक्त तत्वावधान की भूमिका निभा रहा है और हमारे यहाँ 250 यूनिट का लक्ष्य रखा गया है, जिसे हम निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। हो चुके हैं अभी हमारे पास में 120 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ब्लैक के द्वारा आज 2 15-दिवसीय आत्मरक्षा शिविर प्रशिक्षण शिविर जो कि विश्व बैंक के सहयोग से संचालित किए जाने हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर महाविद्यालय में आज उनका भी शुभारंभ किया गया। 50 छात्रों के लिए और 50 छात्राओं के लिए अलग अलग आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर संचालित हो गया। देश में 2000 कैंप एक साथ आयोजित हो रहे हैं, इसमें रक्तदान की यूनिट का किसी प्रकार का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। फिर भी ये संभावना कि पूर्व में जो 2014 का रिकॉर्ड था 87,000 यूनिट्स का, आज वो 1,00,000 को क्रॉस करके उस रिकॉर्ड को वर्ल्ड बुक गिनीज बुक रिकॉर्ड में नए सिरे से आज वापस रिकॉर्ड दर्ज होगा, ऐसी संभावना है। नीमच से मुश्ताक अली शाह की ये रिपोर्ट।